पण बीत गयो सो गयो बीत पण बीत गयो सो गयो बीत अब उड़ी झूठी आस त्याग रे धोरा वाला देश जाग रे धोरा वाला देश जाग रे देख मिनख मुरझाए रहयो मरणे से मुश्किल है जीणो रे देख मिनख मुरझाए रहयो मरणे से मुश्किल है जीणो। हमको अपने घर के दरवाजे का साइज बड़ा करने की इजाजत नहीं, वो कहते हैं कि छोटा साइज रखो क्योंकि तुम छोटी जात के हो, बड़ा साइज तो बड़ी जात के लोग रखेंगे। इधर उधर पानी नहीं भरने देते थे, हमारा मटका उधर रखे पानी यहाँ से ले जाके वहाँ भरो, स्वास्थ्य ये जाति वगैरह विवाद बहुत चलता है। लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं, काल रात कार्य चलते हैं, सरकारी कामों पर काम जाते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिलता, उनको पूरा वेज नहीं मिलता, सब चोर कर्म करते हैं, कागज गुप्त रखते थे, देते भी नहीं थे। गांव में मीटिंग है की मीटिंग करने के बाद में जिलाधीश ने एक जांच बिठाई, उसके बाद मस्टोल में जो फर्जी भरा पटवारी पीडब्ल्यूडी का बेलदार और दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब जब हम संगठन से जुड़े हैं और संगठन की ताकत हमारे पीछे है तो हम भी संगठित हुए हैं, हमको भी ताकत मिली है, लोग भी सेंसिटाइज हुए हैं और प्रशासन को भी एक डर बैठ गया है, तो लग रहा है कि कुछ तो बदल रहा है। हमारा संघर्ष तो चालू है, खत्म की तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो कुछ नहीं किया, एक सीढ़ी एक छोटा सा रास्ता मिला है, इसमें तो बहुत 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 काम है। The genesis of the RTI movement, as you probably know, lay in the very simple movement of people, rural folk in Rajasthan, to seek information regarding how the poverty alleviation program being implemented. Once you have a right to information, it's a very very big thing. And since MKSS was the one who fought for this and brought it about, I wanted to see how they actually. जब तक आप गांव में बीच में ना रहो और उनके परेशानियों को एहसास ना करो और उसको झेलने के लिए मिलकर काम ना करो, तब तक तो आपकी राजनीति नहीं बन सकती है। राजनीति तभी पनप सकता है जब आप लोगों के साथ मिलकर राजनीति को पनपाएं। उसकी वजह से हम देवभूमि आए। Therefore, Aruna's role really was catalytic in the sense that she was the right person at the right time. And she organized these people in order to get these requests for information answered, which then willy-nilly led to the whole concept of a right to information. 90 तक हमारा आंदोलन हुआ एक जमीन को लेके, सोनगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन, इसमें जमीन हमारी हुई, एंड में एक सामंत के खिलाफ लड़ाई हुई और एक न्यूनतम मजदूरी का आंदोलन हुआ। ये दोनों आंदोलन का जो नतीजा था वो हमारे संगठन का जन्म। जब तीन चार संघर्षों में सफलता हुई इस तरीके से कि एक गांव के लोग दूसरे गांव को मदद कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि हमें हमेशा के लिए एक संगठन बनाना चाहिए, और लोगों ने ही कहा नाम होना चाहिए, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, कहा हमें शक्ति देना है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन। चुरीवाड़ो घड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, चुरीवाड़ो घड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, कोई तो मुंडे बोलो रे कोई तो मुंडो खोलो, कोई तो मुंडे बोलो रे कोई तो मुंडो खोलो, चुरीवाड़ो घड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, चुरीवाड़ो घड़ो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो। I went looking for whether the right to information makes a difference to the working of local government. And what I found was that yes, it does. That there are places where people do not know about the right to information, then it doesn't. And part of what they're doing is creating that awareness. हम पब्लिक के बीच में बैठे, एक कस्बा चुना जिस कस्बे के आसपास 50 गांव पड़ते हों, उस कस्बे में लोग आते हैं, वहाँ स्लोगन लगने लगे, वहाँ गीत गए, वहाँ नाटक बने, और एक स्थल ऐसा बना दिया कि बस यहाँ बैठ के हम अपनी बात लोगों को भी कहेंगे, सरकार को भी कहेंगे। तो मुद्दे थे जो जनता के थे उस इलाके के, वो बहुत गरीब इलाका है, हम छोटे छोटे खेतों के टुकड़े हैं, अकाल राहत काम पर बहुत निर्भर है, अकाल पड़ता है बहुत, सूखा पड़ता है बहुत, तो लोग उसमें पूरी मजदूरी चाह रहे थे। तो ऐसे काम पे मैं गया, एक JRY का काम था, जवाहर रोजगार योजना का, उस पे हमें 11 रुपए दिया गया जबकि मजदूरी थी न्यूनतम 22 रुपए। तो हमने ये सवाल पूछा कि क्यों आप
मजदूरी इसको कम देते हैं तो काम नहीं करता। तो मैंने कहा वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें लिखा जाता है कि काम नहीं करता? हम काम करते हैं, इतना काम करते हैं फिर पूरा नहीं होता है तो कैसे पूरा होता है? तो हमें लगा कि ये अक्सर क्यों होता है। फिर मोहन जी, नारायण और कई सारे साथीगण ने कहा कि जब तक वो कागज़ बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम तो जुटे रहेंगे। हमें बिल्स, वाउचर्स, मस्ट रोल्स, हमारे खर्चों का हिसाब चाहिए। और जब मस्ट रोल आए तो पता चला कि मस्ट रोल में लोग काम कर रहे थे 10, और मस्ट रोल में लिखे थे 25, 30, 40, कुछ तो मरे हुए लोगों के नाम। जब वो नाम बाहर निकले और पता चला तो लोगों को पता चला कि कौन चोर थे। तब ये लड़ाई चालू हुई कि हम जानने का हक मांगेंगे, हम सूचना का अधिकार मांगेंगे, और राइट इसका हक होना चाहिए, कानून में हक होना चाहिए, वो अधिकार मांगेंगे। हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारा पैसा, हमारा हिसाब। तो सबसे पहले हम लोगों ने पंचायतों में ही किया। पंचायतों में हमने 4 मांग की थी। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट के बाद चोरी मिलते हैं, और तीसरा रिड्रेसल होना चाहिए, वो पैसा गांव में वापस आना चाहिए, और चौथा अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो वो एक सोशल ऑडिट का एक प्रोसेस तब से शुरू हो गया है। RTI basically is a means of social audit. It is a question whereby any citizen of India can ask government how government is using his money. And there should be greater transparency. And it's a very important step in providing that transparency. It might take more time for people to actually use this right, but it's a very, very important right to have, and it's a very important step in greater transparency in the functioning of government. हमने सरकार के साथ मिलकर एक पायलट सोशल ऑडिट किया। फिर जिस दिन पब्लिक मीटिंग होता है तो इन पब्लिक मीटिंग्स में हमने यही देखा है कि कहीं टेक्निकल असिस्टेंट ने पैसे लिए हैं, या कहीं फील्ड असिस्टेंट ने पैसे लिए हैं, या कहीं ब्रांच पोस्टमास्टर ने पैसे लिए हैं। तो वो आते हैं इन पब्लिक मीटिंग्स में और कई बार पैसे लौटा देते हैं। तो उसी वजह से हमें आज तक की 70 लाख की रिकवरी हुई है, जो कि हम पिछले 6 महीने से कैप्चर कर रहे हैं। तो वो पब्लिक हियरिंग और जनसुनवाई की प्रक्रिया से एक सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, पब्लिक ऑडिट, जनता का ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी निकला। एक केस स्टडी से आपको पता लग जाता है कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में जो ये ब्रिज कोर्स है, ये ब्रिज कोर्स है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको 9 मंथ्स में तैयार करके 5th क्लास पास कर देना ताकि वो मिडिल में चले जाए मेन स्ट्रीम में। ये एक केस स्टडी विल अपस्केल इट बाय शोइंग किस तरीके से ये चोरियां होती हैं, किस तरीके से लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक व्यू में होना चाहिए, ये सब अब स्पष्ट हो। कोई अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, कहे खा रहा ककड़ी, कहे खा रहा ककड़ी, तो गहे तोड़ रहा लकड़ी, गहे तोड़ रहा लकड़ी, तो लकड़ी छोड़ कर आए सारी दुनिया के बच्चे, तो लकड़ी छोड़ कर आए सारी दुनिया के बच्चे। बगल आदमी ने बताया है कि ये मेरे को भी चौकीदारी पे सोलाया गया, पर मेरे को धोखा दिया और मेरे को तो पैसे दिए नहीं। प्रेम लता जी बताए भी बच्चा कतरी और आप प्रेम लता जी आप रोटियां बनाता बच्चे के लिए? हाँ। कतरी टाबरी आई 12-15 और रात भी रुकती नहीं? कितना दिन पुटी, कितना महीना पुटी बेटा? एक महीना। अगर अधिकारियों की लापरवाही नहीं होती तो इतना भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता।